गुब्बारा सलामत रहेगा, यानी गुब्बारा जो है मतलब वो जीतेगा जिसके पास गुब्बारा सलामत रहेगा। शुरू हो जाइए। एक भाई जिसका गुब्बारा सलामत आखिर तक रहेगा, मैं बस मैंने कुछ नहीं कहा, गुब्बारा किसी के हाथ में शामिल रहेगा, सलामत रहेगा, वो जीत जाएगा। ये जीतने के लिए पड़ा है। अभी खत्म मुकाबला, अभी तक मैंने खत्म किया नहीं, खत्म सारे फट गए। अल्लाह हू अकबर। भाइयों और ये सर आपकी तरफ बताइएगा, गुब्बारे तो सारे गए। मैंने यहाँ कहीं कहा था कि भाई दूसरे का गुब्बारा फाड़ दो, मैंने कहा था कि भाई जीतेगा वो जिसका गुब्बारा सलामत रहेगा, कहा था या नहीं कहा था? जीतेगा वो जिसके गुब्बारा सलामत रहेगा। यहाँ तो ये मैंने कहे बगैर एक दूसरे के फाड़ना शुरू होगा और सब खत्म। तो यहाँ पर ये साबित हुआ हमारी कौम का डायलेमा यही है, आगे बढ़ने के लिए हम दूसरे को पहले गिराते हैं। ये है यहाँ का सबसे बड़ा मसला, टीम वर्क में जो जुड़ते हम नहीं है, टीम में भी होते तो हम कोशिश करते हैं भाई तू गिर, मैंने कह नहीं जाता, इन्होंने सबने मिलकर एक दूसरे के फाड़ दिए। तो ये वो यहाँ पे साबित होता है कि अगर हम सबके गुब्बारे कब सलामत रह सकते थे, जब कोई किसी का फाड़ता ही नहीं, सभी विनर हो जाते। तो भाई बहन जीतने के लिए दूसरे को भी जिताना पड़ता है। तो ये है मेन मैसेज, तो है ना कि अकेले हम बूंद हैं, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो समंदर, अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब, और अकेले हम दुआ हैं, अगर मिल जाए